अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद और आप देख रहे हैं आईटी मेनिया। आज हम बात करेंगे कैसे आप अपने इंस्टेंट गीज़र या जो आपका स्टोव है उसको विदाउट सेल्स रन कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, जैसे कि फर्स्ट ये हमें स्टेप डाउन एक सर्किट चाहिए। ये सर्किट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। में एक इनसाइड है और एक आउटसाइड है जिस पे आपने कनेक्शन करने हैं, और इसमें एक वेरिएबल है जिससे आप इसकी वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं। सेकंड, हमें एक चार्जर चाहिए, मोबाइल चार्जर, नॉर्मल यूएसबी पोर्ट वाला, ये कोई भी हो सकता है। और उसके बाद हमें एक एंड्रॉयड केबल या कोई भी यूएसबी केबल चाहिए, और इसके अलावा काविया है और एक मल्टीमीटर भी हमें रिक्वायर्ड होगा जिससे हम उसकी वोल्टेज को चेक कर सकें और उसको प्रॉपर वोल्टेज पर सेट कर सकें अपने स्टेप डाउन जो ये सर्किट है इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस वायर को यहाँ से कट करना होगा। इसमें से जो वायर्स हैं वो चार निकलेंगी। इसमें हमें जो रिक्वायर्ड है वो रेड और ब्लैक है, बाकी दोनों वायर्स जो डाटा की वायर्स हैं उनको हम कट कर देंगे और इसको अब हम एडाप्टर में लगाते हैं। और ये रेड और ब्लैक वायर्स के ऊपर हम देखते हैं कि हमें क्या वोल्टेज मिल रहे हैं। तो इस टाइम जो हमें वोल्टेज मिल रहे हैं वो 5.3 वोल्ट मिल रहे हैं हमें एडाप्टर से। अब हमने इसकी जो इन वाली जो पॉइंट्स है वहाँ पर हमने इसको काविया कर देना है। पहले इसकी लंबी है वायर्स, इसको थोड़ा सा ट्रिम कर देते हैं, इसको इसके अंदर डालकर हमने काविया कर देना है। तो जैसे कि व्यूवर्स ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इसके वेरिएबल्स हैं, हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं। अभी 2.6 वोल्ट्स ये दे रहा है, पीछे से 5.3 आ रहे हैं और आगे 2.6 दे रहा है। अभी हम इसको 2.7978 जब हम बढ़ाते जा रहे हैं, 2.9, 3.0, वैसे 3 वोल्ट्स
डेढ़ डेढ़ वोट के दो सेल होते हैं, 3 वोट्स हमें रिक्वायर्ड है, लेकिन हम 3 से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, 3.15, ये करेक्ट है, हम 3.15 पे अब ये एडजस्ट हो चुका है। और अब हम इसको अपने इंस्टेंट गीज़र या स्टोव के साथ कनेक्ट करने के लिए ये अब रेडी है। अब ये हमने किचन में इसको कनेक्ट कर दिया है, और आउट वाली साइड पर हमने जो है वो स्टोव के साथ इसका कनेक्शन कर दिया है। या देख रहे हैं स्टोव की वायर आ रही है, स्टोव में देख लें कि कोई भी सेल्स नहीं डले हुए। और ये हम अगर इसको ऑन करते हैं, अगर ये ऑन किया हमने, इग्निशन इसका जला है, ये देखें दोबारा, और ये चूल्हा ऑन हो गया। ये इसी के साथ मैंने जो है इसका अपना इंस्टेंट जो गीज़र है उसको भी इसी के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि इंस्टेंट गीज़र में कोई भी सेल नहीं है, और ये इसकी 2 वायर्स आ रही हैं, और ये रेनाए का है। अभी हम इसको भी ऑन करते हैं, हम अंदर से टूटी ऑन करेंगे, और ये हमने इसका सेट किया, ये देखें ये भी चलने लग पड़ा है। आप देख रहे हैं कि ये भी चल रहा है, ये चल रहा है, आप देख सकते हैं दोनों चीज़ें वर्क कर रही है, ये गर्म पानी भी इसमें आ रहा है, स्टोव भी काम कर रहा है। और ये इस तरह से हमने अडॉप्टर के साथ इसको चार्जर जो है मोबाइल के चार्जर के साथ इसको कनेक्ट करके आगे 3 वोल्ट ली हुई, और हमारी ये दोनों चीज़ें विदाउट सेल डायरेक्ट वापडा से चल रही हैं। तो इस तरह से आप अपने इंस्टेंट गीजर को वापडा से चला सकते हैं, और अपने सेल्स का जो है वो ख़र्चा आप बचा सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज़।